अस्सलाम वालेकुम। ज़माने कदीम में एक कौम थी जो इसरारे इलाही में इतना आगे जा चुके थे कि इल्म उनके पास मौजूद था, वो अल्लाह के मामलात में दखल देते थे। जैसे किसी ज़माने में जो ईसाई प्रोहत थे, उन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का पता था, इसी तरह इन लोगों के पास भी एक ऐसा इल्म मौजूद था। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि इस बस्ती को गर्क कर दें, लेकिन कहा कि उनसे दरियाफ्त ज़रूर करना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में जब ज़मीन पर आए, एक चरवाहे से मुलाकात हुई। उन्होंने से पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ हैं? चरवाहे ने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक से एक दायरा बनाया और कहा कि जिब्राइल इस वक्त आसमानों पर नहीं, ज़मीन पर नहीं, शमाल में नहीं, जनूब में नहीं, इस दायरे के अंदर जिब्राइल मौजूद हैं और मैं तो जिब्राइल हूँ नहीं, तो वो यकीनन आप हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन उस बस्ती को गर्क कर दिया। ये इल्म का गलत इस्तेमाल था। अभी रिसेंटली जावेद चौधरी साहब ने चेयरमैन नैब से एक मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने कालम की शक्ल में दो कालम लिखे जिनकी नैब ने तरदीद की। अगले दिन कामरान खान साहब ने अपने प्रोग्राम में इस कालम को डिस्कस किया। इस कालम के मुताबिक और चौधरी जावेद साहब के मुताबिक, इस वक्त चेयरमैन नैब ने कहा कि जरदारी साहब जब उनके पास आए तो वो कांप रहे थे, उनके हाथ लरज रहे थे, उनसे ग्रीन टी का कप नहीं संभाला जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब प्ली बार्गेन चाहते हैं, बड़ी रकम एक दोस्त मुल्क के हवाले से वापस करना चाहते हैं, हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और क्लीन चिट चाहते हैं अपने लिए और मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए, ताकि तमाम करप्शन के केसेस ख़त्म हो जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज की ज़मानत का ख़त्म होने का इंतज़ार है, उसके बाद हमजा शहबाज के गिर शिकंजा कस दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फरियाल तालपुर को औरत होने की वजह से फ़िलहाल रियायत दी जा रही है। मुस्लिम लीग काफ के लोगों की भी बात की जो हुकूमत में मौजूद हैं कि उन्हें 10 मिनट में वो गिरा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती वज़रा भी कुछ ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ इस वक्त केसेस हैं और वो इन केसेस पर काम कर रहे हैं। ऐसे में चेयरमैन नैब ने अपने लिए बहुत से महाज खोल लिए हैं। उन्होंने इस वक्त बैक वक्त बहुत से लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। करप्शन के ऊपर बात करते कि अचानक उनकी पहले ऑडियो और फिर एक वीडियो आती है। ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक तो होना चाहिए, उससे पता चले, लेकिन मॉरली लिहाज से वो किसी सूरत में काबिल तहसीन बातें नहीं थी। लेकिन आप इस पर गौर करें तो उनकी बातों का मकसद क्या था, वो क्या कर रहे थे? वो एक एज्ड बंदा, जो उम्र सीधा आदमी, अपनी जिसे पंजाबी में कहते हैं ठरक झाड़ रहे थे या चस्के लगा रहे थे या फ्लर्टिशियस क्रैप जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो कर रहे थे। क्या उनकी इस वीडियो और ऑडियो की बुनियाद पर प्रेशर डिवेलप करके एक ब्लैकमेलर औरत जो अभी तक नज़र आया है, उन ग्रुप के या उस ग्रोह के हाथों उनको इतना तंग किया जाए कि वो इस नौकरी को छोड़ दें, ताकि आने वाला नैब का कोई चेयरमैन ये हिम्मत ना कर सके कि वो जरदारी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या हुकूमती वज़रा या किसी भी ऐसे शख्स को कि जिसने अवाम की रगों से खून चूसकर दुनिया के मुल्कों में बड़े बड़े टावर बनाए हों और पाकिस्तान के इलाकों की हालत इस वक्त अफ्रीका के मुल्क छोटे छोटे जो कस्बे हैं उन जैसी कर दी हो, लोगों के पास बुनियादी सहूलतें ना हों, ऐसे में क्या इन लोगों को छोड़ना चाहिए या हमें एक वीडियो या ऑडियो की बुनियाद पर जो हमारे चेयरमैन नैब हैं उनका मुहासबा करके उन्हें हटाना चाहिए, ताकि आइंदा लोग करप्शन की बात ना करें? इल्म ज़रूर है, लेकिन ये कौन सा इल्म है, ये फ़ैसला आप करें। और अगर आप समझते हैं कि चेयरमैन नैब को इस वक्त मदद की ज़रूरत है तो उनकी इखलाकी मदद करें। उन्हें भी चाहिए कि अगर वीडियो दुरुस्त है तो इखलाकी तौर पर इसकी माफ़ी मांग कर वो इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैं इस पर प्रोग्राम करना चाहता था, लेकिन आप लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान में बड़े बड़े नामों ने इस पर बात करने से इनकार कर दिया, इसलिए मजबूरन मुझे ये सोलो वीडियो में आपसे ये बात शेयर करनी पड़ रही है।